हेलो एवरीवन, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका इस चैनल में, हेल्थ एजुकेटर में। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि ट्रैक्शन क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है और इसके बेसिक कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, और इन केस ऑफ सर्वाइकल स्पाइन हम कैसे ट्रैक्शन मशीन का यूज कर सकते हैं। ओके, इसका मैं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा। आइए जानते हैं व्हाट इज ट्रैक्शन। सो ट्रैक्शन का लिटरल मीनिंग होता है किसी भी जॉइंट स्पेस को इंक्रीज करना या दो बॉडी पार्ट को सेपरेट करना। तो ऐसे बहुत सारे कॉमन केस होते हैं जहां पर इसका रिक्वायरमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ स्पॉन्डिलाइटिस, इन केस ऑफ हिप डिस्क, इन केस ऑफ फ्रैक्चर आल्सो हम ट्रैक्शन का यूज करते हैं। ओके, तो अगर जॉइंट स्पेस कम हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ स्पाइन, इससे क्या होगा, जो नर्व निकल रहे हैं वो कंप्रेस्ड होते हैं या आपके जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं और इस तरह से एक पेन क्रिएट होता है। तो हम ट्राई करते हैं मैनुअली या मैकेनिकली हम ट्रैक्शन देकर के जॉइंट स्पेस को इंक्रीज करते हैं, सो दैट जो आपका नर्व कंप्रेस था वो डिकम्प्रेस हो जाए और हमें पेन में आराम मिल जाए। ओके, तो आज हम देखते हैं कि मैकेनिकल ट्रैक्शन का क्या क्या बेसिक कंपोनेंट होते हैं। तो फर्स्ट इसके कंपोनेंट है, दैट इज द ट्रैक्शन बेड, और सेकेंड होता है दिस इज द ट्रैक्शन मशीन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रैक्शन मशीन में बेसिक क्या क्या इसके की फैक्टर हैं या कंपोनेंट हैं और उसका यूज क्या होता है, वो कैसे फंक्शन करते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको डेमोंस्ट्रेट करूंगा कि अगर किसी का सर्वाइकल पेन का इशू है तो कैसे उसको हम मैकेनिकल ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, लेट्स सी हाउ टू ऑपरेट द ट्रैक्शन मशीन इन केस ऑफ सर्वाइकल स्पाइन। सो मैं इसको प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेट करने जा रहा हूं। एंड दोस्तों, अगेन आपको ये वीडियो पसंद आता है आप ट्राई करें, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी कर लें, सो दैट मैं इस तरह के नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करूं और इसका अपडेट आपको लगातार मिलता रहे। सो लेट्स सी हाउ टू यूज द इक्विपमेंट प्रैक्टिकली। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं ट्रैक्शन मशीन में क्या क्या कॉम्पोनेंट होते हैं, उससे क्या क्या फंक्शन होते हैं। सो फर्स्ट वन इज द पावर बटन, इसको ऑन करने से आपका मशीन यहाँ पे ऑन हो जाता है। इसके बाद हमें देखना होता है कि ट्रैक्शन में हमें कौन सा मोड लगाना है। यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है स्टैटिक एंड इंटरमिटेंट। तो स्टैटिक का मीन्स हो गया कि जो भी ट्रैक्शन का फोर्स आप लगा रहे हैं फॉर द टोटल टाइम, उतने समय तक वो लगातार उसको पुल करके रखेगा, एटलीस्ट आपके बॉडी सेगमेंट को वो पुलिंग में रखेगा। ओके, सो इन बिटवीन इसको रिलैक्स नहीं करेगा। बट अगर कोई केस ऐसा है, सपोज केस आपका जॉइंट स्टिफनेस का है, किसी पर्टिकुलर जॉइंट का स्टिफनेस है या वर्टिब्रा का स्टिफनेस है, हमें उसको फ्री करना होगा, तो हम चूज करते हैं इन दैट केस इंटरमिटेंट मोड। ओके, दोनों मोड में हम पेन को, स्पाइन को कंट्रोल कर सकते हैं। बट इंटरमिटेंट का एक बेनिफिट हो गया कि हम जो अगर जॉइंट स्टिफ हो गया है उस पर्टिकुलर सेगमेंट को भी हम मोबिलाइज कर सकते हैं। ओके, तो जब भी आप इंटरमिटेंट मोड पे करेंगे, आपके पास अगेन दो नॉब एक्स्ट्रा आएंगे। एक मेंशन किया है होल्ड टाइम, एक मेंशन किया है रेस्ट टाइम। इट मींस कितने टोटल सेकंड के लिए जो आपका ट्रैक्शन फोर्स है वो अप्लाई होगा, और आफ्टर दैट कितने सेकंड के लिए इन बिटवीन उसको आप रेस्ट में देंगे। ओके, फॉर एग्जांपल, आपका टोटल टाइम आपने चूज किया फॉर 15 मिनट। ओके, और आपने होल्ड टाइम को चूज किया है 20 सेकंड, तो आपने इस नॉब को रख दिया 20 सेकंड पे। ओके, इन बिटवीन जो गैप आप देख रहे हैं दैट इज फॉर द 1 सेकंड। इट मींस 20 सेकेंड के लिए आपका ये जो रोप होगा उस बॉडी पार्ट को अपनी ओर पुल करेगा, और जैसे 20 सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा, अगेन फॉर 1 सेकेंड के लिए वो रिलैक्स मोड में चला जाएगा। ओके, और ये साइकिल तब तक रिपीट होगा जब तक कि आपका टोटल टाइम 50 मिनट कंप्लीट ना हो जाए। उसके बाद मशीन में एक बजर साउंड आएगा जो इंडिकेट करेगा कि आपका जो ट्रैक्शन का टाइम था वो कंप्लीट हो गया है और आपको उसको किट को रिमूव करना है। ओके, नाउ कम टू द टेंशन, कितना टेंशन हम अप्लाई करेंगे ट्रैक्शन में। सो इन द डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरापी हम डिपेंड करता है कि पेशेंट का बॉडी वेट क्या है और किस बॉडी सेगमेंट को हमें ट्रैक्शन अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ सर्वाइकल स्पाइन, बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जो आपका बॉडी वेट पेशेंट का है उसका 17 to 18 बॉडी पार्ट हम टेंशन में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेशेंट आपका 80 kg का होगा, उसके अकॉर्डिंग हम उसका 1/7 या 1/8 भाग को हम चूज कर लेंगे फॉर द ट्रैक्शन फोर्स। इन केस फॉर द लंबर स्पाइन, यहाँ प्रिंसिपल होता है कि आपके बॉडी वेट का 1/3 to 1/4 बॉडी वेट जो होगा उसको हम ट्रैक्शन फोर्स में लेंगे। ओके, ये बेसिक एक पैरामीटर होता है ट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करने के। तो इन सारे पैरामीटर को फिक्स करने के पहले आपको इस रोप को उस बॉडी पार्ट के सेगमेंट में अटैच कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ सर्वाइकल स्पाइन, सर्वाइकल कॉलर में आप यूज करते हैं इसका, सर्वाइकल कॉलर का, इसमें इस हाल्टर को फिक्स करते हैं। इस हाल्टर का जो सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ पे इस हुक को आप अप्लाई कर देंगे, ये अटैच हो जाएगा। इसके बाद इस बटन को आप इंगेज कर देंगे तो ये अपनी ओर पुल करना स्टार्ट कर देगा, लाइक दिस।
ओके अगर आपने इंटरमीडिएट मोड का चूज़ किया है तो जितने सेकंड के लिए अप्लाई किया आपने है उतने सेकंड के बाद ऑटोमेटिक ये लूज हो जाता है। सो फ्रेंड्स आइए देखते हैं ये कौन सा बटन है। दिस बटन इज नोन एज सेफ्टी बटन। इसका पर्पस क्या है? सपोज एज ए फिजियो आपको दूसरे पेशेंट में अगर आप इंगेज हो जाते हैं और इन बिटवीन पेशेंट को कोई डिस्कम्फर्ट होता है तो ये इस बटन को प्रेस करके ऑटोमेटिक मशीन को ये क्लोज कर सकता है सो दैट उसके साथ कोई मिसहैप ना हो, उसका कोई डैमेज ना हो। सो दोस्तों आइए देखते हैं हाउ टू अप्लाई द ट्रैक्शन मशीन इन केस ऑफ सर्वाइकल स्पाइन। ओके इसका बेसिक इंडिकेशन है लाइक सर्वाइकल पेन होना, स्पॉन्डाइलिटिस होना या कभी कभी पेन आपके रेफर्ड होते हैं दैट इज नोन एज ब्रैकियल न्यूराल्जिया या सेल्फ डिस्क होना। इन कुछ कॉमन कंडीशंस में हम सर्वाइकल ट्रैक्शन का यूज करते हैं। तो उसको बेसिक लगाने का तरीका क्या होगा? सो दिस इज द सर्वाइकल कॉलर, इसको आपको अटैच करना है। एक आपको जाएगा चिन के पास, यहाँ एक ऑसिपोड के पास प्रेस करना है लाइक दिस। ये अटैचमेंट है सो दैट हम इजी वे में ट्रैक्शन को अप्लाई कर सके। और आपको ध्यान का रखना है कि इस केस में इसका जो नेक है वो कंप्रेस ना हो और बोथ साइड का जो लेवल हो वो इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट आपको देखना है कि जो रोप से इसका ईयर कंप्रेस नहीं होना चाहिए बोथ साइड का। अगर इन केस ऑफ फीमेल से तो आपको देखना है अगर वो कुछ टॉप्स पहनी है या ईयर रिंग पहनी है तो उसको आप रिमूव करवा सकते हैं फॉर द सेफ्टी। देन दिस इज नोन एज हॉल्टर, इसको आपको यहाँ पे अटैच कर देना है। ओके देन फाइनली आपको ये जो आपको बना हुआ एस हुक होगा इसमें हम अटैच करते हैं। ये एक बेसिक कंपोनेंट हो गया टू अप्लाई द सर्वाइकल ट्रैक्शन। नेक्स्ट आपको जो पेशेंट और ट्रैक्शन मशीन का कितना गैप है वो ध्यान रखना है सो दैट ये जो पुल कर रहा है इसके पास सफिशियंट स्पेस होना चाहिए कि आपके बॉडी पार्ट को ये पुल कर सके। ये साहब ये जो सेफ्टी बटन है ये आप पेशेंट को दे देंगे, इसको गाइड करना है। अगर ट्रैक्शन अप्लाई करने के बाद कोई भी आपको डिस्कम्फर्ट होता है आपको इस बटन को प्रेस करके मशीन को ऑटोमेटिक क्लोज कर देना है सो दैट आपके साथ कोई मिसहैपिंग ना हो, कोई इंजरी ना हो। सो आपने इसको अप्लाई कर दिया और जब सेट कर लें कि ये बिल्कुल आपका जो रोप है ट्रैक्शन का और जो पेशेंट का बॉडी पार्ट है वो एक स्ट्रेट लाइन में है या नहीं, इसको आप यहाँ के ऑब्जर्व कर सकते हैं। इनकेस लगता है कि एक सेंट्रल लाइन में नहीं आ रहा है सो आप उससे बॉडी पार्ट को शिफ्ट कर सकते हैं। ओके सो दैट जो आपका जो स्पाइन का अलाइनमेंट है उसके अकॉर्डिंग ट्रैक्शन फोर्स वर्क करे प्रॉपरली। इसके बाद आपको मशीन को ऑन कर लेना है। अब आपको चूज करना है कि हमें स्टैटिक अप्लाई करना है और इंटरमीडिएट अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी अप्लाई किया फॉर द स्टैटिक मोड में रखा है इसको, इससे क्या होगा जो ट्रैक्शन फोर्स होगा वो कॉन्स्टेंटली वर्क करेगा जब तक कि हमारा टोटल टाइम यहाँ पे कंप्लीट ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी टाइम ले रहा हूँ, मैंने एयर बटन को प्रेस किया है सो दैट फास्टली ये मूव करेगा। सो अभी मैंने चूज किया कि इसको मैं अप्लाई करूंगा फॉर द 10 मिनट और ट्रैक्शन अप्लाई करना है फॉर सर्वाइकल स्पाइन। इनिशियली हम कम से कम टेंशन अप्लाई करते हैं सो डिपेंड फ्रॉम द कंडीशन कि उसका जो नेक का स्टिफनेस कैसा है और उसका रीजन क्या है स्पाइन में है या आपके जो मसल्स है वो ओवर टाइट हो गए हैं। अगर ओवर टाइट मसल्स होते हैं तो आप ट्राई करें कि मैकेनिकल ट्रैक्शन अप्लाई ना करें, उसका जो नेक मसल्स का पेन है और इंक्रीज हो सकता है सो बेटर चॉइस करें कि मैं वहां पे मैनुअल ट्रैक्शन अप्लाई करूं। ओके फॉर एग्जांपल अभी मैंने स्टार्टिंग में 6 kg का टेंशन अप्लाई कर रहा हूं, यहां पे चूज कर लिया। ये सब पैरामीटर हमने चेक कर लिया कि इसका जो रोप है वो स्ट्रेट लाइन में है, नेक कहीं इंपिंज नहीं हो रहा है। आफ्टर देन आप इसको एंगेज बटन से इस मशीन को आप ऑन कर देंगे। Now you can see, rope pull कर रहा है body part को अपनी ओर में, because ये constant mode में है, starting mode में है, तो जब तक total time आपका complete नहीं हो जाएगा, so till then ये traction force आपका apply होता रहेगा। So due to traction force हमें क्या benefit मिल रहा है, जो joint space आपका compressed हो गया था, उसको आप decompress कर रहे हैं। In case अगर nerve का compression था cervical spine में, वो आपका decompressed होगा। अगर आपके मसल स्पाज्म थे यहाँ पे उस स्पाज्म को ये कंट्रोल करेगा, पेन को डिक्रीज करेगा। ओके तो ये कुछ बेनिफिट होते हैं। साथ ही साथ जो आपका लेवल होता है न्यूट्रिशन का सर्वाइकल स्पाइन का ये उसको भी इम्प्रूव करता है। तीन सारे फैक्टर को लेके हम ट्रैक्शन मशीन का यूज करते हैं, ये इसके कॉमन बेनिफिट होते हैं। ओके तो जैसे ही टोटल टाइम आपका यहाँ पे कंप्लीट होगा
मशीन से एक बीप साउंड आएगा, एक बजर आपको यहाँ पे ऑपरेट होता है, तो ये इंडिकेट करता है कि इसका ट्रीटमेंट टाइम ओवर हो गया है, अब आपको इस मशीन को रिमूव करना है। ओके, सो दैट के सबसे पहले आप इसको आप मशीन को ऑफ कर दें, उसके बाद इस मशीन को रिवर्स डायरेक्शन में मूव करके आप इसको रिलीज कर देंगे। नेक्स्ट इसको फिर आप इस हुक से वापस निकाल दें, हॉल्टर को आप रिमूव कर दें और पेन फाइनली इस कॉलर को आप बाहर निकाल देंगे। ओके, अगेन जो आपको सेफ्टी बटन है इसको अच्छे से रोल करके वापस यहां रख देंगे आप। ओके, सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ट्रीटमेंट इस हुक को नॉर्मली यहां जो एक बना है, यहां हुक बना है, इसमें आप अटैच करते हैं। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है, ये आपका एस हुक इस मशीन के जो होल है ये रोप कंप्लीट अंदर चला जाएगा। ओके, इसको फिर आप ठीक से यूज नहीं कर पाएंगे। सो बेटर है सेफ्टी के लिए आप इसको यहाँ पे ऐसे हुक को आपने अटैच कर दिया। आई होप ये जो प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन था ट्रैक्शन का, ये आपके लिए बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में आपने समझा होगा। तो जब भी ऐसे कोई पेशेंट आते हैं जो सफर कर रहे हैं सर्वाइकल स्पाइन के डिसऑर्डर से, यू कैन अप्लाई द ट्रैक्शन मशीन इन दिस सिंपल वे। फ्रेंड आई होप ये वीडियो भी आपको काफी इंफॉर्मेटिव और यूजफुल लगेगा, एंड जस्ट कीप वॉचिंग माई वीडियो सो केयरफुली, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन।